तो दोस्तों इंडिया के इंडियन रेलवे में कई बार तत्काल में कंफर्म टिकट बुकिंग करना सरकारी नौकरी के मिलने के जैसा बराबर होता है। क्यों दोस्तों, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में हार से पहले हार और जीत से पहले जीत कभी नहीं माननी चाहिए, बस कोशिश करती रहनी चाहिए। दरअसल बात यह है दोस्तों कि 24 जून की सुबह के 11 बजे मेरे को एक तत्काल में टिकट बुकिंग करना था पटना जंक्शन से कोटा जंक्शन के लिए, जो कि दोस्तों काफी आप लोग जानते हैं कि मुश्किल है। क्या तत्काल टिकट बुकिंग करना नहीं, कन्फर्म में तत्काल टिकट बुकिंग करना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के इंडियन रेलवे में 365 दिनों में 365 दिन सुबह के 10 बजे के लिए एसी क्लास के लिए सभी ट्रेनों में तत्काल टिकट अवेलेबल होती है बुकिंग के लिए, और सुबह 11 बजे नॉन एसी के लिए। तो दोस्तों 24 जून की सुबह के 11 बजे मेरे को टिकट बुकिंग करना था तत्काल में पटना से कोटा जंक्शन के लिए, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसे आप देख करके दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हार से पहले हार और जीत से पहले जीत नहीं माननी चाहिए, आखिरकार ये वर्ड मैंने क्यों बोला। तो दोस्तों यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर दोस्तों IRCTC रेल कनेक्ट ऐप मोबाइल से भी मैं कर रहा था ट्राई, और साथ ही साथ लैपटॉप से कर रहा था IRCTC की वेबसाइट से। दोस्तों दोनों में ठीक टाइम सब कुछ चल ही रहा था, और दोस्तों मैं जो है 10:58:51 में IRCTC का यूज़र आईडी लॉगिन कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पटना से कोटा सेलेक्ट कर लिया था 25 जून के लिए, और दोस्तों मैंने तत्काल में ट्रेनें सर्च कर लिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं 10:59:05 हो चुका था, और दोस्तों मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। लेकिन दोस्तों मेरे को इंतजार था कि जैसे ही 11 बजे का मैं स्लीपर पे क्लिक करने वाला हूँ। तो दोस्तों एग्जैक्ट 11 बजे में 40 सेकेंड बाकी है, जब तक मैं कुछ आपसे बातें कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से मैं टिकट बुकिंग कर रहा था, तो उसको मारिए गली वो एन टाइम पर धोखा दे चुका था। लेकिन हाँ दोस्तों, कई सारे लोग समझ लेंगे कि बेस्ट इज द व्हाट इज द बेस्ट, IRCTC ऐप या फिर वेबसाइट। तो दोस्तों बोथ आर बेस्ट, यहाँ पर दोस्तों आप लोग किसी एक को गलत मत समझिएगा। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने खुद IRCTC वेबसाइट से एक कन्फर्म में तत्काल टिकट बुक कैसे किया है। लेकिन दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट के चलिए मैं दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे ही दोस्तों 11 बजा मैं दोस्तों यहाँ पर स्लीपर पे क्लिक कर दिया हूँ। दोस्तों स्लीपर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्लीज वेट का ऑप्शन हो रहा है, और रिफ्रेश मतलब कि सीट अवेलेबिलिटी सर्च हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर प्लीज वेट हो रहा है, 11:10 हो गया है, 11 सेकंड हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार एरर भी आ चुका है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी मैंने फिर से स्लीपर पे क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि 11:50 हो गए हैं, और प्लीज वेट का ही अभी तक ऑप्शन हो रहा है। भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक प्लीज वेट का ऑप्शन हो रहा है। ओह फाइनली यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, सॉरी प्लीज ट्राई अगेन, यहाँ पर दोस्तों मेरे को लॉग आउट कर दिया गया। लेकिन मैं हारने से पहले हार कभी नहीं माना, और दोस्तों मैं यहाँ पर दोबारा लॉगिन होने के लिए क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों मैंने जल्दी से IRCTC का यूज़र आईडी डाला, उसके बाद दोस्तों मैं जल्दी से IRCTC का पासवर्ड डाला, उसके बाद दोस्तों मैंने साइन इन पे क्लिक किया। दोस्तों साइन इन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे ही मैंने पटना से कोटा सेलेक्ट किया फिर से 25 जून के लिए, और सर्च ट्रेनें करी, तब दोस्तों फिर से यहाँ पर प्लीज वेट का ऑप्शन हो रहा था। लेकिन दोस्तों मैं यह मान चुका था कि मेरे से कंफर्म टिकट बुक नहीं हो पाएगा, ये दोस्तों मेरा मन कर रहा था, लेकिन दोस्तों दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। दोस्तों फाइनली यहाँ पर अनेबल टू परफॉर्म दिस ट्रांजेक्शन लिखा है, लेकिन दोस्तों फिर से मैं ट्राई किया कि नहीं फिर से ट्राई मैं करूंगा। तो दोस्तों मैंने फिर से जब ट्रेनें सर्च करी, तब दोस्तों यहाँ पर फिर से प्लीज वेट का ऑप्शन ही लिखा है। 11:02:30 में जब खुला, तब दोस्तों मैंने फिर से स्लीपर पे क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों 126 को सीट अभी खाली दिखा, मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया। दोस्तों बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लीज वेट हो रहा है, मतलब कि सीट एबिलिटी घूम रहा है, यार फिर से भगवान लगआउट ना हो जाए। लेकिन दोस्तों फिर से मैंने इस बार जो है बुक नाउ पे क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर देख देख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों बुक नाउ पे क्लिक किया, लेकिन एक एरर फिर से भी आ चुका है, और यहाँ पर 11:02:58 हो गए हैं, अभी तक यार कुछ हुआ नहीं है। अब हमको पता नहीं कि कन्फर्म बुक हो पाएगा या फिर कन्फर्म बुक नहीं हो पाएगा। तब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बुक नाउ अभी भी फाइनली दोस्तों 11:03:21 में यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट स्टेप खोला, तब दोस्तों उसमें मैंने नाम दर्ज किया, एज दर्ज किया, जेंडर सेलेक्ट करके दोस्तों बुक ऑन लीव कंफर्म बर्थ पे सेलेक्ट करके दोस्तों यहां पर मैंने
कंटिन्यू पे क्लिक किया। बिकॉज दोस्तों मैं मास्टर लिस्ट में नाम एगो का टिकट बुकिंग करना था तो मैं सेव नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पर मास्टर लिस्ट में तो कभी कभी सो ही नहीं नाम होता है। इसलिए दोस्तों जब तक मास्टर लिस्ट में फैचिंग नाम ये सब लेगा उससे पहले मैं टाइपिंग करके आगे बढ़ जाऊँगा। फाइनली दोस्तों 11:03 में अभी 92 सीट खाली है। उसका दोस्तों मैंने जल्दी से कैप्चा को डाला, H446F डाल करके मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। क्या आपको लगता है कि कंफर्म टिकट बुक हो पाएगा? दोस्तों यहाँ पर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पेमेंट कब तक लेता है, ले पाता है कि नहीं ले पाता है। फाइनली दोस्तों भीम यूपीआई मैंने सेलेक्ट किया, फिर थ्रू भीम यूपीआई में पे एंड बुक के पे क्लिक किया हूँ। 11:04:09 हो चुका है आप सभी लोगों के आंखें के सामने। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट टू रीडायरेक्टिंग टू पेमेंट हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों रीडायरेक्ट पेमेंट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूपीआई मैंने सेलेक्ट किया, पहले से कॉपी किया हुआ था, कंट्रोल भी किया, उसके बाद एट द रेट किया, बाईबीएल किया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पे बुक किया, वेरीफाई किया, उसके बाद दोस्तों फोन पे से मैंने पेमेंट डाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, योर ट्रांजेक्शन इज इन प्रोग्रेस, प्लीज चेक बुक्ड हिस्ट्री इफ बुकिंग। फाइनली दोस्तों यहाँ पर बुक हो चुका है, यहाँ से मैंने दोस्तों कट किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कन्फर्म टिकट हो चुका है, कन्फर्म S2 53 सीट नंबर मिडिल बर्थ मिल चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हार से पहले हार और जीत से पहले जीत कभी नहीं माना। अगर 11:02 में मेरे को लॉगआउट कर दिया गया और अगर इस टाइम में मैं मान चुका होता कि अब से मेरे कन्फर्म में तत्काल टिकट बुक नहीं होने वाला है, और इसके बाद में अगर लॉग इन ना करके बुक ना किया होता तो किया यह तत्काल में कन्फर्म टिकट बुक हो पाता, आप लोग बताइए। लेकिन मैं कैसे ट्रिक को अपनाया आज मैं अब आपको बताने वाला। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ट्रिक के बारे में बात कर लेता हूँ कि आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात, टिकट को बुक करने से पहले IRCTC की वेबसाइट से, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो वेबसाइट से या फिर लैपटॉप से कर रहे हो, आप किसी भी ब्राउजर में कर रहे हो, तो दोस्तों सबसे पहली बात आप कंट्रोल एच करके जितना भी हिस्ट्री होगा आपको ब्राउजर को क्लियर कर लेना है, ताकि आपको एकदम कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों सबसे पहली बात ब्राउजर को क्लियर कर लेना है। दूसरा दोस्तों पेमेंट आईडी को कॉपी कर लेना है, क्या ये भीम यूपीआई आईडी को, आपका जो यूपीआई आईडी है उसको टाइप करके पहले से कॉपी कर लेना है। जब तक देख सकते हैं जैसे ही पेमेंट यूपीआई मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल भी किया, पूरा पेस्ट हो गया, उसके बाद @ डाल करके मैंने सेलेक्ट कर लिया था। और दोस्तों आपको तीसरा क्या काम करना है कि आपको पेमेंट खोल करके रखना है, जिस भी आप पेटीएम वाला डालने वाले हैं या फिर फोनपे वाला डालने वाले हैं, फोनपे खोल कर चेक करना है, खोल करके रखना है। जैसे ही पॉपअप दिखे पेमेंट का एकदम पे करिए, तुरंत से यूपीआई पिन डालिए। आपको यहाँ पर एक सेकेंड भी लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप IRCTC की वेबसाइट की मदद से तत्काल में एक कन्फर्म टिकट को बुक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोड़ा हुआ है, आप लोग सोच सकते हैं मास्टर लिस्ट में मैंने पहले से नाम सेव करके नहीं रख चुका हूँ, बिकॉज अगर मैं सेव करके रखता तो दोस्तों कई कई बार क्या होता है, अभी खास करके टाइम पे क्या हो रहा है कि मास्टर लिस्ट में आप नाम सेव कर लीजिए सो ही नहीं होगा, आपको टाइप ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों वहाँ पर आप अभी मत टाइप कीजिए। और अगर दोस्तों मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि एक लोगों का बुक कर रहे हैं तो आप टाइप करके मत रखिए, टाइम बर्बाद मस्ट कीजिए, क्योंकि कभी कभी फैचिंग होने में काफ़ी ज़्यादा वो टाइम ले लेता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग तत्काल में कंफर्म टिकट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा बिल्कुल कन्फर्म टिकट बुक हो चुका था। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके का अपडेटेड पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।